झाड़ी में से भीम बॉल लेके आ जाता है और कुत्ता के साथ खेलने लगता है और बहुत खुश हो जाता है। भीम बॉल को फेंकता है और कुत्ता ले लेता है और उसके साथ खेलने। तो दोस्तों आजकल इस तरह के वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का चैनल बनाते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की वीडियो कहाँ से ला सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो कहां से आप लाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको YouTube पर जाना होगा और दोस्तों यहां पर आपको सर्च करना होगा Netflix JR करके। दोस्तों आप सर्च करोगे यहाँ पर एक YouTube चैनल आ जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा YouTube चैनल है, यहाँ से दोस्तों आप वीडियो ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं, ले सकते हो। बस दोस्तों आप जो भी वीडियो लेना इसका क्रेडिट दे देना अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च कर लेना माइटी लिटिल भीम करके, आप दोस्तों सर्च कर लेना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो आ गई, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको कि यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाता है वो देख के आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद अब आपको एडिट करना होगा, तो एडिटिंग के लिए हम चलते हैं काइनमास्टर में। दोस्तों यहाँ पर हमारा काइनमास्टर ओपन हो गया है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रेशियो चूज़ करना है। आप 9:16 चूज़ कर सकते हैं या फिर 1:1, दोस्तों बेहतर यही रहता है 1:1, तो 1:1 चूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी वीडियो डाउनलोड करके रखे होगे वो अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पर मेरी एक वीडियो है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारी नीचे वीडियो आ गई, ये कटाव वाले पे क्लिक करते हैं, अब बैक आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो है, अब दोस्तों इसको हम काट देंगे। दोस्तों शॉर्ट वीडियो जो हमारी है 59 सेकंड तक रहती है, तो यहाँ से हम 59 सेकंड कर सकते हैं, या आप चाहो और छोटी वीडियो बनाना चाहो 30-40 सेकंड तक तो उतना ही भी रख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से मैं चलिए इतना रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी गैर ज़रूरी पार्ट है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर ट्रिम वाले पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई ऑप्शन दिया, आप चाहो तो लेफ्ट का काट सकते हो, आप चाहो तो राइट का काट सकते हो, आप चाहो तो 20 से दो पार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे को राइट वाला काटना है, तो यहां राइट वाले पे क्लिक करेंगे, हमारा राइट का कट गया। अगर लेफ्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारा लेफ्ट का कट जाता है। अब दोस्तों ये हमारी टोटल वीडियो 37 सेकंड की बची है। उसके बाद दोस्तों यहां से हम बैक आते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें करना होगा सबसे पहले इसकी वॉइस को म्यूट, तो यहां इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर पीछे ले आएंगे, ये हमारी वॉइस म्यूट हो गई क्योंकि दोस्तों इसमें वॉइस पहले से रहता है, वो वॉइस हटा के हमें अपनी वॉइस ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से बैक आते हैं यहां से। अब दोस्तों इसको अगर इसका साइज सही नहीं है तो आप साइज सेट कर सकते हैं। साइज कैसे सेट होगा, पैन एंड जूम इस पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों ये आप ऐसे कर देना, ये हो जाएगा साइज। जैसे आपका कुछ ऐसा होता है बहुत सी वीडियो, तो आपको ऐसा करके फुल साइज कर लेना है। हमारी तो वीडियो पहले से सही थी, अगर आपकी नहीं है तो आप कर लेना। उसके बाद इस पर क्लिक करना, ये आपका पूरा वीडियो का साइज सही हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको आना है बैक, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये कहानी जो है उसी हिसाब से ऊपर हेडलाइन लिखना है, जो ऊपर आपने देखा होगा वीडियो में तो वो लिखना। तो उसके लिए आपको यहाँ लायर पर क्लिक करना होगा, फिर दोस्तों यहाँ टेक्स्ट वाले पर क्लिक करना होगा। तो टेक्स्ट पर चलते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी कहानी के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर वही लिखेंगे जो स्टार्ट में लिखा था, तो यहाँ पर मेरे में लिखा था मोटा लेके भागा घड़ा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये लिखा था मोटा लेके भागा घड़ा, तो इसे अब यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के बाद दोस्तों इसको कुछ साइज अपने हिसाब से रख लेते हैं जितना साइज रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ बैकग्राउंड कलर इस पर क्लिक करते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं, और इसे भी हम इनेबल कर देते हैं। अब दोस्तों ये कलर जो है इसे कलर पर क्लिक करते हैं, इसको भी हम हाई कर देते हैं, और जो कलर चाहे वो आप ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ब्लैक ही रखूँगा। ये दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। अब दोस्तों इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो बैक आएंगे और यहाँ से फिर ऊपर आएंगे और ये फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट चेंज कर देंगे जिसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ ये वाला पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं फॉन्ट थोड़ा अब ये अच्छा दिखने लगा है। दोस्तों देख सकते हैं अब इसको हम फुल वीडियो में कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ये। उसके बाद यहाँ इस पर हम टच करेंगे और इसको ला के हम पूरी वीडियो में कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारी पूरी वीडियो तक ये लिख के आएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें करना होगा वॉइस ओवर। वॉइस ओवर दोस्तों ये क्या हरकतें कर रहा है, इसी हिसाब से हम वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट वाले पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही स्टार्ट वाले पे क्लिक करेंगे हमारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, जो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी आवाज वीडियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम आते हैं बैक। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड में दोस्तों आप एक म्यूजिक लगा देना जिसकी वजह से और अच्छा दिखेगा, तो म्यूजिक लेने के लिए यहाँ ऑडियो पे क्लिक करना। अब दोस्तों जो भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रखे होंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ
कोई सा हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक, तो ये मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नीचे आ गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ से कट वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है जो ज़्यादा है, तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों इनेबल कर लेना होगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला दोस्तों। अब हमारी वीडियो के बराबर हो गया हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक। उसके बाद बैक आएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी आप वॉल्यूम कम कर लेना अपने वीडियो के हिसाब से, तो इस पर क्लिक करना और ये रहा म्यूजिक अपने हिसाब से कर ले, कम कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपको कर लेना होगा सेव, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से आप सेव वाले पे क्लिक करना, ये आपका वीडियो सेव हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप वीडियो को अपलोड करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है तो ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।